बहन जी, आप बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। अपने माता पिता के साथ आप इस ईश्वरीय ज्ञान में आए। आप 30 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप गामदेवी मुंबई के सब जोन के रूप में सेवा में निमित्त हैं। आर्ट एंड कल्चर विंग के आप महाराष्ट्र जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप गुणों से सुसज्जित हैं। आपके अंदर मधुरता, नम्रता और हर्षित मुक्ता की त्रिवेणी बहती है। तो आपसे अनुरोध है कि अपना की नोट स्पीच आज सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निहा बहन जी। ओम शांति। समग्र बेहद विश्व के रचयिता, परम कलाकार, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की प्रिय संतान, मंचासीन हमारे विशेष अतिथिगण एवं सभा में विराजित सर्व भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आप सब पधारे हुए मेहमानों के इस परम सौभाग्य को देखकर दिल से यही उद्गार निकलते हैं कि सचमुच आप सभी इस बेहद पिता के घर में पधारे हो। ये आपका बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। इस सौभाग्य के लिए मैं आपको दिल से अभिनंदन देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। वैसे भी समाज के अंदर कलाकार वो विशेष व्यक्ति है जिसको प्रभु पिता की ओर से कोई ना कोई कला एक विशेष वरदान के रूप में, सौगात के रूप में प्राप्त है, जिससे समाज को भी योगदान मिलता रहता है। लेकिन जब यही कला के अंदर दिव्यता आ जाती है तो ये एक दिव्य कला बन जाती है। और ये दिव्य कला न सिर्फ समाज को थोड़ा बहुत योगदान देगी, लेकिन विश्व को स्वर्णिम बनाने के लिए, विश्व के पुनरुत्थान के लिए एक आधार स्तंभ बन जाती है। तो आप सभी यहाँ पर पधारे हो, अपनी अपनी विविध कलाओं में वो दिव्यता भरने के लिए, क्योंकि परम कलाकार परमात्मा पिता जिसने हमारे भारत देश को प्राचीन समय से एक देवी संस्कृति से सुसज्ज बनाया था, जिसको आज भी हम स्वर्णिम युग या स्वर्णिम संस्कृति के रूप में गायन करते हैं, वो देवी संस्कृति, वो दिव्य कला जिसके अंदर दिव्य गुणों का संचार था, और वही कला हमारा आधार स्तंभ था भारत देश का। इसी का कारण है कि आज भी हमारा भारत देश पूरे विश्व के अंदर कला और संस्कृति के रूप में एक आदर्श बन के रहा है। वर्तमान समय फिर से ये कला में दिव्यता की जागृति लाना बहुत आवश्यक है। क्यों? आप हम सब चारों ओर के हालात देखते हैं। समाज वर्तमान समय जो परिस्थिति से गुजर रहा है उसके अंदर कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान आवश्यक है। वो योगदान कौन सा? वैसे भी कलाकार में एक जागृति होती है। हम ये कहते हैं कि जब कोई एक कलाकार स्टेज पर आते हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, या तो कोई एक अभिनेता स्टेज पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आता है, पार्ट जब तक वो प्ले करता है
और पाठ पूरा होने के बाद भी उसको एक अवेयरनेस रहती है, एक जागृति रहती है कि मैं अपना पार्ट रोल बजा रहा हूँ। भले वो कितना भी रोल में मग्न होकर पार्ट बजाएगा, लेकिन खुद की तो एक अवेयरनेस जरूर रहती है। स्टेज से जब वो घर जाता है, बाहर जाता है, फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। बस यही जो बाह्य जागृति है, जो हम बाह्य स्टेज पर अपनाते हैं, यही जागृति को एक आंतरिक जागृति के रूप में परिवर्तन करना है। और वो कैसे परिवर्तन करेंगे, इसके लिए हम सभी को बाह्य जगत से अपने आंतरिक जगत में जाना पड़ेगा। आप सब यहाँ पर पधारे हुए हो इसी जागृति को पाने के लिए कि मेरे भीतर, एक एक कलाकार के भीतर एक अपना आंतरिक जगत होता है, जिस जगत के अंदर वो ही है जो हमारे सम्मेलन की मुख्य थीम है, कलाकार, शांति एवं आनंदमय जीवन की ओर। वो शांति, वो आनंद जिसको पाने के लिए हम बाह्य दुनिया में जाते हैं। आप सब मेरे से सहमत होंगे कि यही शांति, यही आनंद आज पाना इतना दुर्लभ हो गया है कि कलाकारों को भी अपनी कला के अंदर बहुत बहुत प्रकार के परिवर्तन लाने पड़ते हैं, क्योंकि वो शांति नहीं मिल पाती है, वो संतोष और वो आनंद भीतर नहीं मिल पाता है। उसका एक ही कारण है कि हम बाह्य जगत को ही सर्वस्व मान लेते हैं। हमें जो पार्ट मिला है वो सिर्फ एक रोल है जो बाह्य जगत में हम बजाते हैं, लेकिन क्या हम अपने भीतर के जगत में जाकर के देखते हैं? क्या थोड़ा समय मैं बाह्य दुनिया से निकल अपने भीतर के जगत में जाती हूँ? यही आध्यात्मिकता है जो कलाकारों को अपने जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज बहुत सारी चुनौतियाँ आप सभी को भी अपने फील्ड में कदम कदम पर आती है, लेकिन भीतर मेरे वो जगत है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति, आनंद, प्रेम और संतोष है। जब कुछ ही क्षण के लिए भी हम बाह्य जगत से अपने भीतर के जगत में जाएंगे तो स्वयं को उसकी परम अनुभूति हो जाती है। उसके लिए स्वयं को जानना पड़ेगा कि कला को स्वीकार करने वाला, कला को पेश करने वाला या करने वाली मैं कौन हूँ। ये एक ही पहेली है। अगर इस एक पहेली को सुलझा दिया तो कलाकार, एक दिव्य कलाकार बनकर न सिर्फ स्वयं के जीवन को लेकिन पूरे समाज को एक प्रगति एवं जागृति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। परम कलाकार परमात्मा हमें यही जागृति दिलाते हैं। सारे दिन के अंदर हम अलग अलग रोल बजाते रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो रोल बजाते बजाते हम उनके वश हो जाते हैं। हम अपने भीतर कई बार स्वयं को बहुत खाली महसूस करते हैं, यहाँ तक खाली महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी कभी कलाकार हमारे पास आकर बताते हैं कि हम अपनी कला से दूसरों को तो सुख और सुकून दे देते हैं, लेकिन भीतर से हमें वो सुकून की अनुभूति मुश्किल होती है। क्यों?
जब मैं स्वयं को जान लूं कि मैं भी एक चैतन्य वो दिव्य शक्ति हूँ जिस दिव्य शक्ति को स्वयं परम कलाकार परमात्मा ने अनेक भीतरी शक्तियाँ और गुणों को दिया हुआ है, हम सबके बीच में हम ये अनुभव करते हैं कि कभी कभी आपसी व्यवहार, थोड़ी बहुत बातों की समस्या, छोटी छोटी चुनौतियाँ भी कभी अपने मन को इतना टेंशन में ले आती है जिसका प्रभाव हमारी कला पर पड़ता है। एक कला है जो सिर्फ मैंने परफॉर्म कर दी, और दूसरी कला वो है जिसमें कलाकार अपने भीतर एक परम शांति का अनुभव कर, परम आनंद का अनुभव करके वो जो कला पेश करेगा, दोनों की कला में रात दिन का अंतर हो जाएगा। वो जो दिव्यता संपन्न कला है उससे एक शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, उससे एक दिव्यता के प्रकंपन फैलेंगे जो देखने वाले के आंतरिक जगत को जागृत कर देंगे। आज हमारा समाज उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ संकल्पों की और हमारी वृत्ति और हमारे विचारों से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे आंतरिक जगत में अगर मैं खुश हूँ, मेरे आंतरिक जगत में अगर मुझे वो आनंद की अनुभूति है जो परम कलाकार के द्वारा मुझे हो रही है, तो मेरी कला से समाज में चारों ओर उसका प्रभाव एक वृत्ति और वाइब्रेशन के रूप में फैलता जाएगा। कलाकार में वो ताकत है, एक एक कलाकार समाज के लिए एक आदर्श है, क्योंकि प्रभु पिता से मिली हुई एक विशेष सौगात के आप सभी अधिकारी हो। आप सभी ने वो अपने अंदर प्राप्त की है, सिर्फ उसमें दिव्यता को लाना है। उसके लिए सारे दिन में भल कितने भी आप व्यस्त हो, थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालना है। अपने भीतर के जगत में हम जाएं, स्वयं को महसूस करें, मैं एक शांत स्वरूप दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस बेहद ड्रामा के अंदर मैं एक श्रेष्ठ कलाकार हूँ और मैं परम कलाकार की संतान हूँ, जो परम कलाकार शांति का सागर है, जो परम कलाकार सर्व शक्तियों का सागर है, उसकी मैं संतान हूँ। जब उससे ये कनेक्शन जोड़कर हम वो दिव्य शक्तियों का स्वयं में अनुभव करेंगे और फिर जो कला हम पेश करेंगे वो कला हमारी समाज के नव निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अब इसकी आवश्यकता है, इससे ही समाज में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि कलाकार को जो लोग देखते हैं और उसकी कला और उसकी दिव्यता को स्वयं में ग्रहण करते जाते हैं, क्योंकि चित्र या प्रत्यक्ष देखने की जो असर होती है मानस पट पर, वो बहुत लंबे समय तक कार्य करती है। आप सभी की कला को देखने के लिए समाज के लोग अपना समय निकाल करके आते हैं, कला को निहारते हैं, लेकिन उसी कला में जब ये दिव्य संदेश आ जाएगा तो देखने वाले के जीवन का परिवर्तन भी बहुत सहज हो जाएगा। यही परम कलाकार परमात्मा पिता की आप सभी कलाकारों के प्रति शुभ आशा है, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आज इतने बड़े कलाकार संगठित रूप में यहाँ पधारे हैं, तो ये 3 दिन के अंदर उस प्रभु पिता का दिव्य संदेश
अपने अंदर ग्रहण करके कला में उसको हम सम्मिलित करेंगे तो स्वयं का जीवन तो सुखमय होगा, लेकिन हमारे स्वयं के जीवन द्वारा, हमारी कला द्वारा फिर से हम वो स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम संसार की पुनः स्थापना जल्दी ही जल्दी कर पाएंगे। यही शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स नेहा बहन जी, आपने अपने की नोट स्पीच में बहुत सुंदर प्रेरणादायक संबोधन सबके समक्ष रखा कि कला को सिर्फ कला के रूप में नहीं, लेकिन कला में दिव्य